ये है अमेजोन जंगल, जो हमारी इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन। ये इतना बड़ा है कि हमारे भारत से करीबन दुगने एरिया में फैला हुआ है, और जितना आप सोच रहे हो ये उससे कहीं ज़्यादा घना और रहस्यमयी है। क्योंकि ये केवल एक जंगल नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम अभी तक सारी बातें नहीं जानते। यहाँ पर जीव जंतुओं की ऐसी ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जो हमें दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते। आज के समय का सबसे बड़ा सांप अरे एनाकोंडा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े हार्पी ईगल तक यहाँ पाए जाते हैं। ये जंगल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो, इसे धरती के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे जितने ऑक्सीजन बनाते हैं उसमें से करीबन 20% ऑक्सीजन इस जंगल से आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको इसी जंगल के रहस्यों के बारे में बताते हैं। Nature is not a place to visit, it's our home. All that we see, animals, insects disappearing into their surroundings, all of this is World of the Wild. 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ अमेजोन जंगल दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, जहां इसका करीब 60% हिस्सा फैला है। ये जंगल हमारे धरती का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं जहाँ साल भर नमी बनी रहती है, जिसके चलते वहाँ पर कभी भी बारिश गिरने लगती है। मतलब ये कि इन जंगलों में कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, हर रोज या हर हफ्ते बारिश होती रहती है। ये जंगल काफी घने होते हैं, इतने घने कि बारिश के पानी को जमीन तक पहुँचने में भी मिनटों लग जाते हैं, और कुछ एरिया तो इतने घने होते हैं जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है। इन एरियाज में सूरज की 1% रोशनी ही जमीन तक पहुंच पाती है। अपने इसी गर्म और नमी वाले वातावरण के कारण यहाँ पर काफी अलग अलग किस्मों के जीव जंतु पाए जाते हैं, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अभी तक खोजी गई प्रजातियों में से हर 10 में से एक प्रजाति इस जंगल में रहती है। अभी तक यहाँ करीब 40,000 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियाँ खोजी जा चुकी है, और अगर गिनती की बात करें तो यहाँ करीबन 390 अरब पेड़ हो गए, करीब 1300 पक्षियों की प्रजातियाँ, 1200 मछलियों की प्रजातियाँ, 400 सरीसृप और 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियाँ यहाँ पर खोजी जा चुकी हैं। ये जंगल बाहर से सुनने में जितना आकर्षक लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जानवर भी हद से ज्यादा खतरनाक और जहरी हो सकते हैं, जैसे अमेजोन में पाई जाने वाली ये छोटी छोटी चींटियाँ, जो धरती पर पाई जाने वाली सभी चींटियों से बड़ी होती है। ये करीब 4 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है, और जो लोग इनका शिकार हुए हैं वो बताते हैं कि ये जब डंक मारती है ना तो इसका दर्द इतना होता है जितना गोली लगने के बाद होता है, और इसलिए इन्हें बुलेट एंट कहा जाता है। दूसरा, मिलियन जंगल में पाए जाने वाले इन डार्ट मेंढकों से, जो चमकीले रंग के होते हैं और इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये काट ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इस जंगल में सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा भी पाया जाता है। इसी जंगल के बीच से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजोन रिवर भी बहती है, जिसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है और 350 फीट गहरी है। ये नदी घर है खूंखार एलिगेटर्स का, जो इस नदी में काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस नदी में इलेक्ट्रिक ईल भी पाई जाती है, जो अपने से बड़े जानवरों को बिजली का झटका देकर खत्म कर सकती है। इसी नदी में पिंक डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो काफी समझदार होती है, और वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ घुल मिल जाती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन इंसानों पर हमला भी कर देती है। ये तो बात हुई जीव जंतुओं की, लेकिन इस जंगल में करीब 350 जनजातियों के 3 करोड़ इंसान भी रहते हैं। इन 350 में से 60 ऐसी जनजातियां हैं जो अभी तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आई है, और अगर कोई इंसान इनसे संपर्क करने की कोशिश भी करता है तो वो उस पर हमला भी कर देते हैं। 1961 में ऐसी एक जनजाति ने ब्रिटिश एक्सप्लोरर रिचर्ड मेसन को हमला करके उसे मार दिया था। पहले काफी लंबे समय तक ये माना जाता था कि अमेजोन में ज्यादा इंसान नहीं रह सकते, लेकिन 1942 में यहाँ करीबन 80 लाख इंसान रहते थे, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि लगभग 11,000 साल पहले पहली बार यहाँ इंसान बसा होगा। 1900 के आसपास जब बाहरी इंसानों ने इस जंगल में जाना शुरू किया तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर गए, जिसके चलते जनजातियों के लाखों लोग मारे गए थे। 1900 के आसपास जहाँ इनकी संख्या 10 लाख में थी, 1980 तक आते आते बीमारियों के कारण ये सिर्फ 2 लाख रह गए थे। यहाँ की बहुत सी जनजातियाँ आज भी ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते,
और इन जनजातियों के बीच में युद्ध और लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। 1970 के दशक में जब इन जंगलों की कटाई शुरू हुई तो कुछ रहस्यमय विशाल आकृतियों का खुलासा हुआ, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट काफी हैरान रह गए। इन आकृतियों को देखकर ये अनुमान लगाया गया कि ये प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बनाए गए होंगे, जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता था। इन आकृतियों को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। जियोग्लिफ्स वे विशाल डिजाइन और आकृतियाँ होती है जो जमीन पर उकेरी गई होती हैं। ये अक्सर जमीन को खोदकर या मिट्टी को हटाकर बनाई जाती है ताकि एक विशेष आकार उभरकर सामने आ सके। आमतौर पर इन्हें केवल हवाई दृश्यों से देखा जा सकता है क्योंकि कुछ आकृतियाँ बहुत बड़े एरिया में फैली होती हैं। अब बात आती है, कितने बड़े जंगल को फलने फूलने के लिए पोषक तत्व मिलते कहाँ से? तो उसका जवाब है सहारा रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान से धूल और रेत के विशाल गुब्बार उठते हैं। ये धूल हवा के साथ उठकर अमेजोन तक पहुंचती है और इस धूल में भारी मात्रा में फॉस्फोरस मौजूद होता है जो कि इस जंगल की धरती को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाता है। नासा ने कैलिप्सो सैटेलाइट की मदद से इस धूल की मात्रा को मेजर किया था। इस डाटा के अनुसार सहारा से करीबन 182 मिलियन टन धूल उड़ती है, जिसमें से कुछ धूल बीच में अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है और करीब 27 मिलियन टन धूल अमेजोन में जाकर गिरती है और इसी धूल से जंगल की पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। लेकिन अगर सहारा के कुछ हिस्सों में बारिश हो जाती है तो ये धूल काफ़ी कम मात्रा में जंगल तक पहुंच पाती है। अवैध खनन, लकड़ी की कटाई जैसे कारणों से अमेजन तेजी से समाप्त हो रहा है, जो न केवल यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों को नष्ट कर दी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेजोन की अद्भुत दुनिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।